देख सकते हैं आप, क्वालिटी चेक कीजिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई एक बार फिर से आ गया हूँ अश्वनी चैनल पे। भाई मेरा नाम अश्वनी गुज्जर है और मेरे चैनल का नाम है अश्वनी चैनल। अच्छा अच्छा। और ये मेरठ सिटी के अंदर है जी, यूपी उत्तर प्रदेश। कौन कौन से डॉग है आपके पास में? मेरे पास जो है भाई, मैं बेसिकली मतलब प्रॉपर तरीके से जो है बस केन कोर्सो ही ब्रीड करता हूँ जी। मेरा केन कोर्सो का ही कैनल है। अच्छा अच्छा। तो फिलहाल कितने डॉग है आपके पास? भाई मेरे पास जो है 6 बड़े केन कोर्सो है, एडल्ट जो है जी। और बस इतना ही रखता हूँ मैं, इससे ज्यादा भी नहीं रखता। अच्छा, पप्स मिल जाएंगे? हाँ, पप्स भी मेरे पास अवेलेबल है, अलग अलग क्वालिटी में है। अच्छा, इसके अंदर एक मेल है और दो फीमेल है। फीमेल में आपको दो कलर मिल जाएंगे, ब्लैक और ब्लैक ब्रिंडल। बहुत ही हैवी क्वालिटी में है भाई ये तो। हाँ, ये फुल रेडी हो चुके हैं घर जाने के लिए अपना। अच्छा। और एक पप हमारे पास ये है। अच्छा, अच्छा। ये हमारा मूसा का स्टड का बच्चा आया है जी। फीमेल बहुत अच्छी थी उसकी। क्या है जैसे अभी? अभी ये 1 मंथ का ही हुआ है। 1 मंथ का? आज 1 मंथ का ही हुआ है। अच्छा। और आप देख सकते, देखिए ये देखो, फुल हैवी है जी। और देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, स्टैंड करके पूरा फुल शो क्वालिटी है। मेरे सारे डॉग जो है जी, ये आपको शो क्वालिटी मिलेगी आप। और सारे डॉग पप जो है मेरे केसीआई रजिस्टर्ड है जी। और अभी थोड़ा सा डर रहा है, देख सकते हैं आप, क्वालिटी चेक कीजिए। अगर कोई भाई ब्रीडिंग के पर्पज से लेना चाहता हो जी, तो देख सक ले सकता। तो है ये फीमेल है, देख सकते हैं। तो अभी इसके भी जब मतलब 1 ही लीटर के है? हाँ, ये तीनों 1 ही लीटर है जी। नो, तो अभी इनका वेट कितना होगा? ये भैया 10 kg से प्लस ही है। 10 kg? हाँ, आप देख सकते हो, एक ब्लैक ब्रिंडल कलर की है। ब्लैक ब्रिंडल भी है? हाँ, आप लो, आपको दिखाई देता हूँ, ये भी रेयर कलर है, बहुत रेयर कलर होता है। हाँ, देख सकते हैं ब्रिंडल कलर जी, ब्लैक ब्रिंडल कलर है, देख सकते हैं। हाँ, और ये भी हमारी फीमेल है, देखिए क्वालिटी चेक कीजिए आप, क्वालिटी देखिए आप। और बोन साइज चेक कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, बहुत से बंदे जो है वो पूछते हैं कि मेल हमें जेड ब्लैक केन कोर्सो का पप चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं 3.5 साल से केन कोर्सो ब्रीड कर रहा हूँ और मेरे पास अभी तक जो भी पप हुए हैं उनमें सिर्फ एक ही पप हुआ है जो पूरा जेड ब्लैक था। अदरवाइज इनके जो चेस्ट पे है वो मार्क आता ही आता है, व्हाइट मार्क। हाँ, व्हाइट मार्क आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे एक बहुत ही छोटा सा मिले पर मिलेगा जरूर। और ऐसा भी ऐसा नहीं है कि नहीं होते, जेड ब्लैक भी होता है पर वो बहुत रेयर होते हैं। तो डाइट में क्या चल रहा है इनका पप्स का? भैया मैं इन्हें सुबह के टाइम में, इनका पप्पी स्टार्टर है जी, और उसमें थोड़ा सा मैं पनीर मैश करता हूँ, और दोपहर के टाइम उसी स्टार्टर में मैं दही देता हूँ। अच्छा। और रात को भी स्टार्टर ही देता हूँ, 3 टाइम खाना दे रहा हूँ। मैंने जो इनके पेपर है वो अप्लाई कर रखे है और वैक्सीन तो कंप्लीट होगी? वैक्सीन नहीं, वैक्सीन अभी इनमें 2 वैक्सीन लग चुकी है जी। 2 वैक्सीन मैं लगा चुका हूँ और तीसरी अभी वो एक वैक्सीन की एक पूरी साइकिल चलती है। अच्छा, वो साइकिल जो भी भाई लेगा मैं उसे बता दूंगा, वो आगे से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं उस वैक्सीन को। ये मेरे पास ये जो है 2 नए लीटर हुए हैं, एक ये वाले, इनकी एज अभी 21 मंथ्स है। अच्छा। और एक मेरे पास ये लीटर है, इनकी एज जो है वो 18 दिन है अभी। 18? तो भाई इनके जो जो छोटे पप थे जो दिखाए थे अभी 17-18 दिन के जी, उनके मदर फादर ये है। तो भाई आप देख सकते हैं, मदर भाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और ये फादर है? ये फादर है जी, ये एला है इसका नाम, और इसका नाम मूसा है। अच्छा अच्छा। और देख सकते हैं आप इनकी दोनों की हाइट वगैरह देख सकते हैं जी, हेड फेस देख सकते हैं कितना प्यारा है जी। और अगर किसी को शो क्वालिटी में चाहिए और बजट का कोई इशू ना हो, मैं पहले भी बोल रहा हूँ बजट का कोई इशू ना हो, क्योंकि ये कॉस्टली ब्रीड है भैया। इसकी जो हाइट है वो 29 इंचीज है जी, और जो ये मेरी फीमेल है ये पूरी 27 इंच की है। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं जी। और दोनों का एज जो है ये 2 साल का तो हो गया जनवरी में, और ये जो है 18 महीने की है। अच्छा, और इसने अभी फर्स्ट टाइम पप दिए है। अच्छा, जो फीमेल आपकी पहली बार बच्चे दिए थे? हाँ, इनने पहली बार बच्चे दिए है, पहला लीटर है, और इसमें जो है 4 पप दिए थे, चारों ही बहुत ही सॉलिड क्वालिटी के, आपने देख ही लिया होगा पप की क्वालिटी। ये भाई डैनी है जी, मेरा स्टड है। तो कहाँ की ब्रीड है?
ये भाई इटली की ब्रीड है, इटली की ब्रीड है। हाँ, और बेसिकली ये जो है बहुत अच्छी गार्ड डॉग है, गार्डिंग के लिए होते हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा, और फैमिली डॉग भी है जी। इजीली आप देख सकते हैं कितने शांत है, ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव हो रहे हैं या कुछ ऐसा। पर इनकी एक और खासियत है, अगर कोई ने हल्की सी भी नॉइस बाहर की सुनाई देगी या कुछ भी, एकदम से अलर्ट हो जाएगी।